बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। 2 कप मैंने माश की दाल ली है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर मैंने इसको 3 कप पानी डालकर इसको बॉईल किया है। ये 1 कप क्रीम मैंने पानी निकाल ली है, 80% मैंने इसको बॉईल किया है। 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, ये थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 कप घी, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 स्पून, उसमें जो मसाले जाएंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 स्पून, जीरा 1/2 स्पून, नमक 1/2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, कसूरी मेथी 1/2 स्पून। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए। अब हम साबुत गरम मसाला, इसमें जीरा डालेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी ब्राउन करेंगे हल्का सा। अब हम टमाटर शामिल करेंगे। ये टमाटर गलने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, मेथी, कसूरी मेथी हम शामिल करेंगे। अब मसाले को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अभी हमने कुटा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं किया। हम 3 से 4 मिनट मजीद इसको भूनेंगे। साथ साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मसाला जले ना। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया। देखिए, अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे, जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा भूनेंगे। ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें डालेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जो बॉईल करते वक्त हमने निकाला था। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट होने देते हैं। दाल हमारी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही जबरदस्त हमारी माश की दाल तैयार हुई है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।